हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल साचीस गुड लाइफ। जैसा कि इसकी पिछली वाली वीडियो मैंने डाला था, जो बताया था वो पार्ट वन है, और क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी तो मैंने इसको पार्ट टू में कट कर दिया है। तो अब हम पार्ट टू में स्टार्ट करते हैं, उसी को कंटिन्यू आगे। इसके बाद हम बात करते हैं लिप्स के लिए, लिप बाम। आजकल इतनी सारी लिप बाम और इतनी महंगी महंगी लिप बाम लोग बताते हैं अपने वीडियोज़ में कि यार ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है, बट मैंने जो किया मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अभी क्या यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास एक नीविया का भी लिप बाम था, वो ख़त्म हो गया तो मैंने उसको रखा नहीं संभाल के। एक तो मेरे पास ये फिर से ब्लू हेवन का आ गया। मेरे पास ब्लू हेवन की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल होती है और ये ईजिली मिल जाती है शॉप्स में। तो एक तो ब्लू हेवन है, उसके अलावा मैं क्या लगाती हूँ, वैसलीन। आप लोगों को थोड़ा फनी लग रहा होगा बट बेस्ट है। इसके अलावा इसका तो ये निकल गया है, ये छोटी सी डब्बी आती है, ये लोकल शॉप में मिलती है लिप बाम, मे बी 15-20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपीज़ तक के मिल जाती है ये। और ये सारी लिप बाम अच्छे से काम करती है अपना, ज़रूरी नहीं है 100, 200, 300, 400, 500 रुपये का लिप बाम खरीदने की। अगर आप खरीद सकते हैं तो बिल्कुल लीजिए। यहाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ, अफोर्डेबल चीज़ों की बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वीडियो से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार मैं, मुझे भी ये लेना है, मुझे भी लेना है, इसके बिना मैं मेरा काम नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, मेरा ये वीडियो बनाने का यही इंटेंशन है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं बट बहुत अच्छा काम करती है। तो और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि आप भले ही छोटी ब्रांड की चीज़ें लो, सस्ती लो, बट एटलीस्ट वो थोड़ा ब्रांडेड हो। जैसे कि ब्लू हेवन छोटा सा ब्रांड है, हिमालया हो गया, नीविया हो गया, ये सब चीज़ें ठीक ठाक है स्टार्टिंग के लिए, तो आप एटलीस्ट इनका लो। इसके अलावा जो एकदम ही लोकल चीज़ें आती हैं ना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में बहुत मिलते हैं, तो प्लीज़ यार वो सारी चीज़ें मत लो, चाहे वो कितनी भी सस्ती हो या महंगी हो। मैंने आज तक कभी भी, ये सारी ब्रांड्स में यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसे लोकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ। अचानक से शॉप वाले ने कहा कि ये तो नया आया है, बहुत अच्छा है। यहाँ एक चीज़ और, इतने सारे प्रोडक्ट में मैंने आपको अभी तक एक और प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, एक ब्रांड के बारे में, जो कि जॉय का एक मॉइस्चराइज़र आता है, वो भी ऐसी छोटी सी डब्बी में, जॉय का फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ें आती है, बट मुझे वो चीज़ें उतनी पसंद नहीं आई। गांव में मैंने देखा है आज भी बहुत लोग लेते हैं, शहरों में भी बहुत सारे लोग, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। उसका बॉडी लोशन भी मैंने लगाया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ना स्किन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई उससे, मतलब बहुत काली हो गई उसके बॉडी लोशन वगैरह से, तो मैं उसको तो रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको सूट करता है तो छोके आप लगा सकते हैं। तो लिप बाम के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आजकल बॉडी लोशन के इतनी सारी ब्रांड आ गए, इतनी सारी वैरायटीज आ गई है ना गाइस, कि क्या ही कहूँ मैं। मेरा खुद का भी मन करता है कि यार, जैसे मैं किसी की वीडियो देख लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं भी इसको ट्राई करूँ क्या। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा ही वो क्या कहते हैं उसको, मामा अर्थ का आई गेस, हाँ वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ था, तो मेरा डेफिनेटली मन किया था। लेकिन उसमें छोटा कुछ भी नहीं थी बॉटल, उसके बड़े बड़े ही बॉक्स थे, बॉटल थी, तो मैंने उसको नहीं लिया था क्योंकि काफ़ी कॉस्टली था, वो 400 के आसपास में भी रहा होगा, तो मैंने नहीं लिया और मुझे ना ही उसकी ज़रूरत है। तो मैं अभी क्या यूज़ कर रही हूँ मैं वो बता देती हूँ आपको। मैं अभी फिर से नीविया और वैसलीन यूज़ कर रही हूँ, ये बेस्ट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं भागने की ज़रूरत है। बीच में मैंने एक पॉन्ड्स का भी यूज़ किया था, उसकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो भी अच्छा है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, जो आपको मिल जाए, जो आपको सुटेबल हो आपके लिए। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि सुनने में अजीब लग सकती है, कि जब ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, मतलब अभी समर्स में ना, इसके अलावा मैं कभी कभी, मेरा मन करता है तो मैं कोकोनट ऑयल भी लगाती हूँ अपने हाथों और पैरों में। उससे बॉडी सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉइस्चराइज़र अगर कोई है तो वो कोकोनट ऑयल है। अगर आप घर में कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं ना, तो आप वो लगाइए, वो बेस्ट है। बट हाँ, थोड़ा सा लगता है कि यार चिपचिप सा लग रहा है, इसलिए मैं भी कभी कभी नहीं लगाती, बट मेरा कभी मन करता है और मैं घर में रहती हूँ तो फिर मैं वो लगा लेती हूँ।
तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जॉय का बॉडी लोशन मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। और इसके अलावा अदर ब्रांड्स के अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे कि मैंने और क्या रैंडमली, तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज की है। बस इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको कि जो मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ और अभी तक उन पर टिकी हुई हूँ, मतलब मैं अभी मैंने अभी तक उनको इतने सालों में 5-6-7 सालों मैंने अभी तक उनको स्विच नहीं किया, मैं यहाँ उनकी बात कर रही हूँ। तो अब हम पूरे स्किन केयर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं जो कि है सनस्क्रीन, जिसके बारे में मैं खुद बहुत ही लेट अवेयर हुई हूँ। मैं आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में बताना चाहूँगी कि सनस्क्रीन कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मतलब मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है। मैं अभी अभी रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, जबकि इसे मुझे काफ़ी पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बहुत चिपचिपी सी लगती है तो हम इसे पसंद नहीं करते हैं। और मुझे पहले इतना नॉलेज भी नहीं था कि सनस्क्रीन कितनी इम्पॉर्टेंट है फेस के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टैनिंग से बचाएगी आपको फेस, वो आपको जो बाद में जो रिंकल्स हो जाते हैं, जाइया बाद में आने लगती है, इन सब चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करती है। इसलिए बेस्ट है सनस्क्रीन। बीच बीच में ज़बान लड़खड़ा जाती है, उसके लिए सो सॉरी। तो अब मैं बात कर रही हूँ कि अभी मेरे पास कितनी सनस्क्रीन है और मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मेरे पास ये 3 सनस्क्रीन है। सबसे पहले न्यूट्रीजेना, जो कि मेरा फर्स्ट सनस्क्रीन है, फर्स्ट नहीं है एक्चुअली, एक और मेरे पास था वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये वाला ना, ये मुझे मेडिकल से मिला था सनकोट के नाम से, ये एक्चुअली डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, ये मुझे प्रिस्क्राइब किया था एक्चुअली, तो ये वो वाला है। और इसके अलावा जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला है एक्वालॉजिका का। इसके अलावा भी जो जो बेस्ट सनस्क्रीन है ना वो मैं आप लोगों को बताऊँगी और लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसमें से चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूँगी न्यूट्रीजेना का, ये सबसे अच्छा सनस्क्रीन और सबसे पुराना है, लोगों को बहुत पसंद था ये, बट अभी क्योंकि 1-2 साल से ना मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सनस्क्रीन आ गए हैं, जैसे कि एक्वालॉजिका का ये नया है लेकिन अभी बहुत पॉपुलर हुआ है, तो मे बी इसको काफ़ी लोगों ने स्विच कर दिया है, इससे इसको स्विच कर दिया है। तो मैं भी जैसे कि अभी भी मैं इसको कभी कभी लगा लेती थी, बट अभी मैंने इसको भी रखा हुआ है क्योंकि मुझे अभी नया करेंटली ये पसंद आ रहा है एक्वालॉजिका का, तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ। लेकिन इसको लगाने से पहले मैं ये वाला लगा रही थी, ये क्योंकि डॉक्टर ने दिया था मुझे, तो और इसको मुझे ख़त्म करना ही था क्योंकि यार 465 मतलब 500 का तो ये भी था उस टाइम पर, लेकिन बहुत अच्छा था ये, बहुत अच्छा ग्लो करता था। और ये क्योंकि मैंने होम टाउन से लिया था और अभी मैं कहीं और रहती हूँ इसलिए मैं इसको दोबारा परचेस नहीं कर पाई, अगर मैं वहीं रहती ना तो मैं ज़रूर इसको मेडिकल से जाकर इसको लेती, क्योंकि मेरा ये अभी भी फेवरेट है ये। इसके अलावा एक विश केयर का है, डर्मा का है, और भी कुछ कुछ है जो कि बहुत अच्छे सनस्क्रीन है। यहाँ मैं कुछ और भी बताऊँगी कि मामा अर्थ हो गया या फिर और भी कुछ ऐसे, ये उतने भी अच्छे नहीं है जितना जो पॉपुलर है, ये मुझे पर्सनली उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। और एक अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे वो मिलेगा ना तो मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगी स्क्रीन पर या मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो उतना अच्छा नहीं था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम लेने गई थी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं काफ़ी बड़ी सी शॉप में गई और वहाँ उन्होंने मुझे एक इतना बड़ा सा, इससे बड़ा सा ट्यूब जो है वो पकड़ा दिया था कि ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, बट मैं उसको लगा ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको मैं जैसे ही लगाती थी वो बहुत ही वाइट कास्ट छोड़ने लगता था। तो यार अगर आप पहली बार कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो और इतना गंदा एक्सपीरियंस होगा तो आप कैसे आप उसको कंटिन्यू करोगे? तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं प्यास लग रही है, तो या गाइज यहाँ बात हो रही थी सिर्फ स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स की, यहाँ पर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद मैं अगली वीडियो मेकअप प्रोडक्ट के बारे में भी बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वाली वीडियो कैसी लगी आपको वो भी बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।